हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिल्क की साड़ी के साथ फोर स्टाइल ड्रेपिंग, जो कि अलग अलग तरीके की होगी। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर पिंक कलर की मेरे पास सिल्क की साड़ी है, बहुत ही सुंदर है। जो ब्राइडल लुक में साड़ीज़ वगैरह होती हैं, उसी तरीके की हेवी सिल्क साड़ी है ये, और पिंक कलर की है। इस पर इस तरीके की बूटीज़ की हुई है, और गोल्डन यानी कि ग्रीन और गोल्डन कलर की इसकी बॉर्डर दी हुई है। तो फर्स्ट लुक जो साड़ी का सिंपल लुक होता है, नॉर्मल साड़ी जिस तरीके से हम वेयर करते हैं, उसका लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है, और फर्स्ट राउंड के वक्त जब हम ड्रेपिंग करते हैं, टकिंग करते हैं पहला वाला कॉर्नर, तब मैंने एक सेफ्टी पिन लगा ली है, ताकि सिल्क की साड़ी है तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा सिल्की होने की वजह से यानी कि थोड़ा सा बहुत ही सिल्की है। सो कमर में मैंने थोड़ा सा पोर्शन पे एक सेफ्टी पिन लगा ली है। अभी यहाँ पर फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद साड़ी का जो पल्लू का पोर्शन है, उसको मैं गैदर करते हुए सामने की तरफ लेकर आई हूँ, और इसकी इस तरीके से प्लीट्स बनाकर पल्लू का जो पोर्शन है वो मैंने सेट कर लिया है। ये बेहतर होता है कि अगर हम पहले ही पल्लू अच्छी तरीके से बना ले और उसको सेफ्टी पिन्स के साथ अच्छे से बना लेंगे, तो हमारा जो लुक आएगा वो बहुत सुंदर आता है। स्पेशली सिल्क की साड़ी के साथ ऐसा अगर आप करेंगे, क्योंकि सिल्क की साड़ी का जो पल्लू का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है वहाँ पर, तो इसीलिए। अभी देखिएगा, कमर पर कर्व का हमारा लुक अच्छा है, इसीलिए इस तरीके से बॉर्डर लाएंगे और एक सेफ्टी पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब आती है फ्रंट प्लीट्स की बात। तो फ्रंट प्लीट्स हम इस तरीके से लेंगे, और मीडियम लेंथ के प्लीट्स हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से मैं प्लीट्स बना रही हूँ, और इन सारी प्लीट्स को हमें अच्छे से सेट करना है। अगर हम सेट नहीं करते तो हमारा सामने का लुक थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा फूला फूला आएगा। अभी यहाँ पर इस तरीके से सेट करने के बाद मैं एक सेफ्टी पिन लगा कर इसको सेट करूँगी, ताकि जब हम इसको टकिंग करते हैं तो हमारे जो प्लीट्स हैं वो इधर उधर ना भागे, अच्छी तरीके से आ जाए इसीलिए, और सेट भी हो जाएंगे अच्छी तरीके से। अब सारी प्लीट्स को हम इस तरीके से गैदर करेंगे, और जो नीचे की बॉर्डर है उसके साथ में अभी मैं यहाँ पर इसको एक पिन के साथ, ब्रोच वाली जो पिन आती है साड़ी की, उसके साथ में इसको इस तरीके से सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कमर पर यहाँ पर लुक कितना अच्छा आया है। साड़ी की जो बॉर्डर है वो मेन बात होती है, कि सिल्क की साड़ी के साथ बॉर्डर का लुक जो है वो अच्छी तरीके से आएगा, तो हमारा ओवरऑल जो लुक है वो बहुत ही सुंदर तरीके से आता है। और अच्छी तरीके से अगर आप बताए, मैंने जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से अगर आप साड़ी ड्रेप करते हैं, तो हमारा जो लुक है वो भी आपका स्लिम दिखाई देगा, और जो कमर का पोर्शन वगैरह है, टमी का पोर्शन है, वो भी इस तरीके से हाइड हो जाएगा। तो देखिएगा कितनी अच्छी साड़ी यहाँ पर मेरी आई है, बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंज हो चुकी है। सारे जो लुक है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है, बॉर्डर भी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, और साड़ी की जो प्लीट्स हैं वो भी बहुत सुंदर लग रही हैं। आपको कौन सी स्टाइल अच्छी लगी मुझे कमेंट कर। तो देखिएगा यहाँ पर 3/4 साड़ी जो है राइट साइड में छोड़ी हुई है, और 1/4 साड़ी एक साइड में लेफ्ट साइड में छोड़ी हुई है। यहाँ पर सेफ्टी पिन्स मैंने लगाए हैं, ताकि मेरी जो साड़ी की बॉर्डर है वो अच्छी तरीके से उभर कर दिखाई दे। तो दो तीन आप चाहे तो यहाँ पर नॉट भी बांध सकते हैं, लेकिन जींस के साथ मैंने सेफ्टी पिन्स अच्छे से सेट कर ली है, तो इसीलिए इसकी जो बॉर्डर है वो कमर पर बहुत अच्छी तरीके से आएगी। हालांकि हम यहाँ पर नॉट भी बांध सकते हैं, अच्छे से टाइटली एक नॉट बांधिएगा, लेकिन ये जो साड़ी है तो इसकी जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और यहाँ पर थोड़ी सी नॉट बांधने में तकलीफ हो रही थी, यानी कि वो बंद नहीं रही थी, छूट जा रही थी, इसीलिए मैंने सेफ्टी पिन्स लगाए हैं। और इस तरीके से ये जो पोर्शन है, अभी हमने प्लीट्स बनाकर इसको इस तरीके से कमर में टक कर दिया है, और सारी के जो प्लीट्स वगैरह है, बॉर्डर है, उसको अच्छे से हम सेट करेंगे। अभी जो राइट साइड का पोर्शन है, ये भी पैर के नीचे से इस तरीके से निकालेंगे, और ये पोर्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। अभी पल्लू का जो पोर्शन है वो अच्छे से हम सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद इसको हम लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल देंगे। और एक बात, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने पल्लू सेट कर लिया, बाद में ये जो फैब्रिक इस तरीके से आ जाता है, तो इसको हमें इस तरीके से प्लीट्स बना लेनी है, और प्लीट्स बना कर इसको हम कमर में टक कर देंगे। ये साड़ी अच्छी चौड़ी है, ज़्यादा लंबी इसकी लेंथ है, सो इसकी वजह से इसका जो पोर्शन है यहाँ पर ज़्यादा आया हुआ है।
कुछ साड़ीज़ का पोर्शन जो है तो यहाँ पर कम भी आ सकता है, लेकिन फिर भी साड़ी देखिएगा आप कितनी सुंदर तरीके से अरेंज हो चुकी है और बहुत ही सुंदर लुक हमारा यहाँ पर आया है। जब हम कमर में पीछे की साइड में प्लीट्स टक करते हैं तो वहाँ पर एक सेफ्टी पिन से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि सिल्क की साड़ी है वो सिल्की होने की वजह से वो पोर्शन निकल सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिएगा इसको हम नववारी साड़ी भी कह सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी इस साड़ी के साथ ये लुक आया है। ये साड़ी मुझे बहुत ही पसंद आई, ये साड़ी मैंने मेशो से मंगवाई है। आप चाहे तो इसकी लिंक, इसका जो कोड होता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज भी इसको कर सकते हैं। देखिएगा कितना अच्छी तरीके से हमारी जो बॉर्डर है वो अरेंज हो चुकी है, राजशाही नववारी साड़ी वगैरह भी इसको हम कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे थर्ड लुक। तो फर्स्ट वाला जो लुक हमने सिंपल साड़ी बनाया था उसी में से अभी मैं थर्ड लुक आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ हमें पल्लू का जो पोर्शन है वो हमें राइट साइड पर सामने की तरफ से लेना है इस तरीके से। बाकी की जो साड़ी मैंने फर्स्ट वाला जो लुक दिखाया था उसमें ड्रेप की थी वही रखी हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर जो सामने के प्लीट्स बनाए थे तो उसके जो प्लीट्स हैं अभी हमें निकालने पड़ेंगे एक दो प्लीट्स, क्योंकि पीछे की साइड में हम सीधा पल्लू जब साड़ी लेते हैं तो हमारी जो यहाँ पर प्लीट्स वगैरह आती है या फिर पल्लू का पोर्शन हम लेते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़े से साड़ी छोड़नी पड़ती है। अभी यहाँ पर जो सिंपल साड़ी सीधा पल्लू साड़ी होती है उसमें छोटा पल्लू होता है, लेकिन मैं आपको अलग लुक दिखाना चाहूँगी, इसलिए मैंने पल्लू का पोर्शन जो है तो बड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पर पल्लू का पोर्शन बढ़ा लिया है, साड़ी के जो प्लीट्स है उसको एक दो प्लीट्स निकाल ली है, बाकी के जो प्लीट्स है उसको सेफ्टी पिन लगाकर अच्छे से अरेंज कर लिया है। अभी देख सकते हैं आप एकदम जो सीधा पल्लू साड़ी होती है उसी का यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी ये जो पल्लू हमने बनाया था इसकी जो प्लीट्स बनाए थे फर्स्ट वाले लुक में तो सेफ्टी पिन्स लगाई हुई थी, वो पिन्स मैंने निकाल दी है। अभी ये पल्लू का जो पोर्शन है उसको हम अच्छे से अरेंज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बड़ा पल्लू रखा हुआ है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी इसको इस तरीके से रखना चाहूँगी और रखकर अच्छे से अरेंज करते हुए ये वाला जो साड़ी का कॉर्नर है जो हम पीछे की साइड में लेते हैं तो इसको मैं राइट साइड में लेकर आना चाहूँगी। इसको अच्छे से अरेंज करेंगे और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं इस तरीके से राइट साइड में लाऊंगी। तो देखिएगा एक अलग तरीके की ड्रेपिंग हमारी हो जाएगी और बहुत ही सुंदर लुक हमारा इस पर लगेगा। साड़ी का पल्लू का पोर्शन हमें अच्छी तरीके से अरेंज करना है, यहाँ पर बिल्कुल फुला फुला लुक नहीं आना चाहिए। सेफ्टी पिन्स लगाकर हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। पीछे से भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक यहाँ पर मेरा आया हुआ है। पल्लू का जो पोर्शन है उसके नीचे से मैंने साड़ी का जो कॉर्नर था, साड़ी का जो पोर्शन था उसको लिया था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसका लुक, आप जिस तरीके से रखना चाहे उस तरीके से पल्लू का पोर्शन रख सकते हैं, चाहे तो साड़ी के ऊपर से भी यहाँ पर रख सकते हैं या फिर अंदर पूरा साड़ी का पल्लू का पोर्शन आप डाल सकते हैं। इससे आपकी जो साड़ी का हमारा जो कमर का वगैरह लुक है वो भी बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से अरेंज होता हुआ दिखाई देता है। और नीचे से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक मेरा यहाँ पर आया हुआ है। ये जो कन्वर्ट हमने किया है तो ये फर्स्ट वाले लुक का ही वो एक न्यू वर्जन हम इसको कह सकते हैं, उसी के साथ आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा कितना अच्छा लुक यहाँ पर लग रहा है। आपको कौन सा लुक अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको फोर्थ लुक दिखाना चाहूँगी। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने कनकन स्कर्ट वेयर किया हुआ है और लहंगा जो ड्रेपिंग है वो अब हम करेंगे। तो पीछे की साइड में हम इस तरीके से लेंगे, पीछे की साइड में अगर आप प्लीट्स बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं और नहीं बनाना चाहते तो थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दीजिएगा और वो हम इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे वन बाय वन। और इन सारी प्लीट्स को राइट साइड से इस तरीके से प्लीट्स बनाकर हम पीछे की साइड में थोड़ा सा स्कर्ट को घुमाएंगे तो वो पीछे की तरफ चला जाता है। सो इस तरीके से ईजिली हम सारी प्लीट्स बना सकते हैं और वन बाय वन सारी जो साड़ी है उसके हमें पूरे प्लीट्स ही बना लेने हैं इस तरीके के लहंगे में। और ऊपर की तरफ जब हम सारी प्लीट्स बनाकर रेडी कर लेंगे तब हमें सेफ्टी पिन्स चारों तरफ से लगाना है, क्योंकि अगर हमें दिन भर इसी तरीके का लुक चाहिए तो ये जो सिल्क की साड़ी है सो ये सिल्की होने की वजह से आपकी जो प्लीट्स वगैरह है हमारी प्लीट्स निकल सकती है इसीलिए। सो इस तरीके से पूरी जो वन बाय वन प्लीट्स में इसी तरीके से पूरी कमर का जो पोर्शन है हमारा वो पूरा कवर कर लूँगी और इसी तरीके से पूरा सेट कर लूँगी।
ये लुक आप किसी भी पार्टी फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली ये चारों लुक जो मैंने आपको दिखाए हैं वो कोई भी लुक आप फंक्शन में, पार्टी में, शादी में भी क्रिएट कर सकते हैं। इससे बहुत ही सुंदर लुक आपका आता है। लहंगा तो आप देख ही सकते हैं कि आप इस तरीके के कोई भी टॉप वगैरह के साथ इसको ईजिली वेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इस पर अगर आप चुनरी वगैरह लेना चाहते हैं तो उस तरीके से भी ले सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। इसका जो ग्रीन कलर का पल्लू का पोर्शन है, सो ये पोर्शन पीछे की तरफ मैंने लिया हुआ है। आप चाहे तो हाफ पोर्शन ग्रीन और हाफ पोर्शन पिंक कलर इस तरीके के में भी कुछ करना चाहे तो इनोवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।